जंजाली के चारों देवी देवता जो है नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ है गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स स्कूल की ये वाली गली से जो है अब हम वापस जा रहे हैं। हम निकले बालक रूपी मंदिर और यहाँ से जो है भूतनाथ मंदिर को जाया जाता है। जो है भूतनाथ टेंपल और यहाँ पे स्वामी जी जो है यहाँ पे देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वापस चौहटा बाजार और चौहटा बाजार से अब जो है सीधे सेरी मंच होते हुए जो जलेब है वो पड्डल मैदान जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जो है कल्चर दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि आगे तक आपको अभी जो है जलेब दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा है। अभी पीछे से और बहुत से देवी देवता जो हैं आ रहे हैं। यहाँ से आगे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। वो आगे आपको वो जो है बस स्टैंड तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हमारे राज्यपाल जी आए हैं विधिवत रूप से इसका समापन करने के लिए शिवरात्रि महोत्सव का। तो वो जीप में बैठे हैं। हाँ।
तो आप भीड़ देख सकते हो, आस्था देख सकते हो लोगों की कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा धूप है ना मैं बता नहीं सकता, मेरे को पसीने छूट चुके। तो यहाँ से जो देवी देवता हैं अपने अपने स्थान पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और उसके बाद सभी एक दूसरे से विदाई लेकर जो है अपने अपने स्थान की ओर चले जाएंगे। तो बड़ा ही दुखद ये जो है समय होता है जब देवी देवता एक दूसरे को विदा देते हैं। यहाँ जलेब से आने के बाद हमारे जो जंजहली के आराध्य देवी देवता हैं वो नृत्य करें और फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ जहाँ से उन्हें बुलावा आया है। तो यहाँ पे देव मिलन हो रहा है। देवी देवताओं का एक तरह से अंतिम जो है विदाई दी जा रही है देवताओं के द्वारा एक दूसरे को। जय हो। जय हो देवा पिट्ठू नारायण। अगली साल ही अब दर्शन होंगे। जय हो। जाने लग चुके हैं और इस तरह से मिलन कर रहे हैं और उसके बाद अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। जय हो देव पुंडरीक ऋषि जी की। तो देवी देवताओं के मिलन करने और उसके बाद अपने अपने स्थानों को चले जाने से ही जो मंडी शिवरात्रि है वो ख़त्म हो जाती है।
तो इस तरह से देवी देवता जो हैं चले गए। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू।